अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप पाकिस्तान के सबसे बुलंद ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन शीला बाग पर रेल फैनिंग देखेंगे। वैसे तो कान मेहता ज़ई पाकिस्तान का सबसे बुलंद स्टेशन है, जो सतह समुंदर से 2224 मीटर बुलंद है, लेकिन अब वो अबैंडन हो चुका है। तो दोस्तों, ये बात है 30 नवंबर 2021 की, जब चमन पैसेंजर में चमन पहुंचने के बाद हम दोस्तों ने बाय रोड शीला बाग जाने का फैसला किया, ताकि 350 ग्राउंड चमन पैसेंजर को शीला बाग स्टेशन पर कैप्चर कर सकें। ट्रेन पर खोजक पास के नज़ारे को एंजॉय करने के बाद अब हम कार से खोजक पास को पास कर रहे हैं। बस हम शीला बाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। वो सामने आपको शीला बाग रेलवे स्टेशन नजर आ रहा होगा। ये ऊपर से रेलवे ट्रैक्स के लिए जो पुल था, ये उसके नीचे से गुजरे हैं हम। तकरीबन 30 मिनट के सफर के बाद हम 1:50 पर शीला बाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ले जी, पहुंच गए हम शीला बाग रेलवे स्टेशन। आखिरकार हम शीला बाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये हमारे दोस्त फहीम भाई, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। और ये आ गए हमारे यूसुफ भाई, ये इब्राहिम भाई, ये जिशान भाई, और इनका नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, ये है वरुण भाई। और ये रहा शीला बाग रेलवे स्टेशन। अब थोड़ी बात शीला बाग रेलवे स्टेशन की कर लेते हैं। जैसे शीला बाग रेलवे स्टेशन और खोजक टनल साथ साथ हैं, वैसे ही शीला बाग रेलवे स्टेशन और खोजक टनल की हिस्ट्री को जुदा नहीं कर सकते। लेकिन खोजक टनल की डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, बस उसमें ये बात ऐड करूँगा कि टनल की तमीर के वक्त वहाँ पर मजदूरों के तफरी के लिए एक रकासा का इंतज़ाम किया गया था, जो अपने रक्स के ज़रिए से लोगों के दिलों को बाग बाग कर देती थी, जिसका नाम शीला था। बस इसी मुनासबत से स्टेशन का नाम शीला बाग रख दिया गया। स्टेशन की एंट्रेंस पर गमलों में मौजूद पौधे स्टेशन की खूबसूरती में और इजाफा कर रहे हैं। हाइट है जी 1900 मीटर, 1939 मीटर। बाकी ये किलोमीटर लिखे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के। चले अब स्टेशन में एंटर होते हैं। आज हम इस टनल के लिए आए हैं। ये पुराना 5 रुपये का नोट जिस पर शीला बाग कागज से बना हुआ है, और रियल में वो आपके सामने रही शीला बाग टनल, जो कि तकरीबन 3.9 किलोमीटर लंबी है। खोजक टनल कहते हैं, शीला बाग असल में रेलवे स्टेशन है। शीला बाग रेलवे स्टेशन बलोचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला में वाक़ है। ये स्टेशन कोयटा से 103 किलोमीटर और सतह समुंदर से तकरीबन 1940 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। शीला बाग रेलवे स्टेशन ML3 के हिसाब से 496 किलोमीटर मार्कअप पर वाक़ है। शीला बाग रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म्स हैं और दो ही मेन लाइंस हैं, और जो ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करती है, अप और डाउन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और इसके अलावा शीला बाग रेलवे स्टेशन के यार्ड में काफ़ी ट्रैक्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ट्रेन के आने में तो अभी वक्त है, तो हम दोस्तों ने ये तय किया कि खाना ही खा लें, कुछ पेट पूजा होनी चाहिए। फहीम भाई यार, दूर हो रहे हो यार। आज का मेन्यू ये है। शीला बाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर वेटिंग रूम भी मौजूद है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस भी मौजूद है। और साथ ही एक छोटा सा म्यूज़ियम भी मौजूद है, जो कि आपको दिखाएंगे अभी कुछ देर में, अभी बंद है। स्टेशन की अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, उसकी यादगारी
और ये शीला बाग रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री। इसके अलावा एक साइड पर सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर्स भी मौजूद हैं। टनल वाली साइड पर प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर लोगों के बैठने के लिए इंतज़ाम भी मौजूद है और साथ में एक ट्रेन मॉडल भी मौजूद है। इसका नंबर है इस इंजन का 3314 ARPW 3300 सीरीज़ वाले इंजन, और इसका मॉडल खड़ा हुआ है। और एक अदद कोच भी है जिसका शीशा थोड़ा सा डैमेज है। इस पर भी पथराव हुआ होगा जैसे चमन पैसेंजर पर होता है। अच्छी बात यह है कि स्टेशन पर एक डस्टबिन मौजूद है जो कि अक्सर स्टेशनों पर नज़र नहीं आती। अब थोड़ा खोजक टनल को करीब से देख लेते हैं। खोजक टनल की तमीर 1888 से 1891 के अरसे में की गई थी। ये 18 नंबर टनल है जबकि कोयटा से चमन जाते हुए ये दूसरी सुरंग है। डेड स्टॉप और टनल में ट्रेन को 25 किलोमीटर की स्पीड अलाउ का बोर्ड नसब है। डेड स्टॉप का मतलब है कि कोई भी ट्रेन यहाँ से रुके बगैर नहीं जा सकती। टनल की दीवार की अंदरूनी सतह पत्थरों की ईंटों से बनाई गई है और छत पर लोकोमोटिव्स के धुएं के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब हम टनल के ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा आता है। हम पहुंच चुके हैं टनल के ऊपर और ये आपको पहले सराउंडिंग का नज़ारा दिखा दें, साथ में वो ऊपर सड़क भी जा रही है। हम खड़े हैं जी टनल के बिल्कुल ऊपर, दो ट्रैक्स, और सामने आपको नज़र आ रहा है शीला बाग रेलवे स्टेशन। इस जगह की सराउंडिंग आप देख लें, चारों साइड पहाड़ ही पहाड़। ये रहा 5 रुपये का नोट जिस पर शीला बाग टनल बनी हुई है, और हम भी इस वक्त शीला बाग खोजक टनल पर खड़े हैं। शीला बाग रेलवे स्टेशन है और खोजक टनल पर सामान पड़ा है। सामान आ रहा हूँ। इस वक्त 2:49 हो रहे हैं और ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है ये RG20 5122 की है जो कि 350 डाउन चमन पैसेंजर के साथ शीला बाग रेलवे स्टेशन में एंटर होने वाली है। इस वक्त कोजक टनल के अंदर से पास हो रही है, और इसी में हम कोयटा रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन डाउन ग्रेड से अपग्रेड की तरफ आ रही है। आज ही की गरज की सॉन्ग सुनाई दे रही है। RG20 5122 का हॉर्न, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई है। यहाँ पर हम चमन वाले दोस्तों को खुदा हाफिज कहेंगे, जबकि बाकी हम तीन और मेरे इसमें चार दोस्त चमन पैसेंजर में कोयटा तक का सफ़र करेंगे। खूबसूरत शीला बाग रेलवे स्टेशन को अब अलविदा करने का वक्त आ गया है, और साथ में खोजक टनल को। अब हम चलते हैं ट्रेन में क्योंकि हमने इसी में कोयटा जाना है। अभी आ जाइए।
2:55 पर 350 राउंड चमन पसिंजर शीलाबाग रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और वो सामने खड़े हैं हमारे चमन से आए हुए साथी निशान और वरुण कुमार। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पाकिस्तान के सबसे बुलंद वर्किंग स्टेशन शीलाबाग पर बनाई ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 350 राउंड के सफ़र के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।